जय हिंद। मैं त्वचा डर्मेटोलॉजी क्लिनिक से डॉक्टर एच एस चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मैं आप सभी के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। आज हमारा देश और विश्व एक बहुत ही बड़ी महामारी COVID-19 से गुजर रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिय परिजनों को खो दिया है और बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों के व्यवसाय चौपट पड़े हैं, बहुत सारा नुकसान हो रहा है लोगों का। तो लेकिन ऐसी विपदा की घड़ी में हमें सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमें अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और अभी वैक्सीनेशन का भी बहुत उत्सुकता है, वैक्सीनेशन भी लोग लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन को इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया है कि अब तक हमारे देश में 15 से 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और आगे आने वाले टाइम में और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम और तेज होगा, प्राइवेट सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से और दूसरी चीज़, जैसे अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, अपने नज़दीकियों को धैर्य देने की ज़रूरत है, उन्हें गुमराह ना करें, उन्हें गलत बातें ना बताएं। जो साइंटिफिक आधार से या एक अथॉरिटी की कही हुई बातों को ही सच माने। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इस दौरान अपना मास्क लगाना और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग देना, लॉकडाउन के वक्त सहयोग देना और 6 फीट दूर रहें एक दूसरे से, उचित दूरी बनाएं और सामाजिक प्रोग्राम जो हों वो थोड़े कम से कम करें, लिमिटेड लोगों में करें। और हमें इस महामारी से ईश्वर बचाएगा और हम सबको एक साथ मिलजुल के इस बीमारी से लड़ना है। इसी बात पे एक मैथिली शरण गुप्त की एक कविता मुझे ध्यान आई है, नर हो ना निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, संभलो कि सुयोग ना जाए जल, समझो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। हमें बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें परेशानी होती है, हमें बोर होता है, हमें किसी इमोशनल स्ट्रेस ने घेरा हुआ है, तो आप अपने नज़दीकी दोस्तों से, आप आज की युग में हमारे पास इतना सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट, इतने संचार के माध्यम है हम कि आप एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, कॉल से या वीडियो कॉल से जुड़े रह सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमें, हम सबको इस बीमारी से मिलजुल कर लड़ना है। और आप लोगों के कुछ भी प्रश्न हो, वैसे मैं कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं हूँ और ना ही इसके लिए कोई अथॉरिटी हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होते हैं, कोविड से रिलेटेड या किसी सहायता से रिलेटेड, तो आप निसंकोच मेरे नंबर पर, मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9412301177। तो आप लोग निसंकोच मुझे किसी वक्त, आप मुझसे किसी भी हेल्प की, जिस जो हेल्प हो सकती है मेरे से, मैं हेल्प करूँगा। तो हमें सबको ही एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो यही मेरा आप लोगों से एक गुजारिश है और एक आपके लिए संदेश है। जय हिंद।